नागौरी प्योर देसी बैल है जगह मेरे पास में। यह बैल की खासियत यह है कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और उबाई यहाँ देख लो तो के कोई घोड़ी के टाइप लग रहा है, ठीक है ना। फिर भी चलावाना जना इसलिए असम लोग घोड़ी चले ना उस टाइप चल रही है। खेती में हल चलाता हाँ, गाड़ी चलाता हाँ, ये असम लोग पूरी खेती है जो कि बेला से कर रहा हूँ। हल में कैसे चलाता तो फट आता है, बाहर विदेश जावे ना तो भी फट आता है। ये काशीत है नागौर जिला का बैल है जगह बहुत प्रसिद्ध है। नागौरी बैलों को पालने का इतिहास बहुत पुराना है। कृषि व्यवस्था का उदय होने के साथ ही इन्हें पाला जाने लगा, क्योंकि जुताई इन्हीं से होती थी और इनका मूत्र और गोबर तो जैसे खेतों के लिए संजीवनी साबित होता आया है। फुर्तीला होने के कारण इनका उपयोग युद्ध क्षेत्र और रथ खींचने में भी किया जाता था। और दूसरी तरफ है नागौरी नस्ल की गाय, बेहद सीधी सादी और स्वभाव में सरल। ये बहुत अधिक दूध तो नहीं देती, परंतु बहुत लंबे समय तक दूध देते रहना इसकी खासियत है। नागौरी गाय से प्राप्त होने वाला दुग्ध पूर्ण रूप से न सिर्फ सात्विक है, वरन समस्त शारीरिक व्याधियों को हरने वाली एक उत्तम औषधि भी। नागौरी नस्ल की गायों के बछड़े विश्व भर में अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। खेतों में काम करने वाले नागौरी बैलों के लिए मशहूर है कि इनके पैर कभी भी मिट्टी में नहीं फंसते। नागौरी बैल आज के यांत्रिक युग में भी कृषकों की पहली पसंद है, क्योंकि जल भराव वाले क्षेत्रों और सीढ़ी नुमा खेतों में ये ट्रैक्टर की बजाय ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। बैलों की कीमत ट्रैक्टर से तो कम है ही, साथ ही इन द्वारा जोते जाने वाला हल अधिक गहराई तक भूमि को जोत सकता है। ये बैल एक दिन में 5 एकड़ तक भूमि जोत सकते हैं। यहाँ नागौर नस्ल की पहचान है कि यहाँ का जानवर खेत में काम करते समय बहुत सुंदर लगता है। यहाँ के जानवर को जोतते समय थकान नहीं होती, वह सुंदरता के साथ काम करता है। जैसा कि राजस्थान में ही और डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके ऐसे बैल नहीं हैं जैसा कि डिस्ट्रिक्ट नागौर के हैं।